कानपुर मेडिकल कॉलेज में रहने वाले जूनियर डॉक्टरों पर इस समय ANE वायरस का संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। ये खतरा इतना गंभीर है, इससे पता चलता है कि पहले चरण में ही 7 छात्र इसके पीड़ित हो गए हैं। इसमें एक छात्रा तो काफी गंभीर हो गई है जो वेंटिलेटर पे है। हमारे यहाँ पे एक बच्ची थी बाकी ज्वाइन टू पैर यानी कि थर्ड ईयर स्टूडेंट है, वो उसको फीवर हुआ, वोमिटिंग हुई, उसके बाद में वो अनकॉन्शियस हो गई। तो उसमें एनकेफेलाइटिस हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं अलोंग विद द मायोकार्डाइटिस, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है। अभी तक हमने उसके 4 वायरल मार्क टेस्ट कराए हैं, 4-4 नेगेटिव आए। उसके अलावा हमारे पास में 6 बच्चे और भर्ती हुए और 6 में से एक के पेरेंट्स ले गए, उसको हल्का फीवर था। बाकी जो यहाँ पे बच्चे एडमिट हैं उसमें से 3 बच्चों को फीवर है और तो फुली कॉन्शियस है। 2 बच्चियाँ हैं उनको फीवर अगर नहीं है लेकिन वो घबरा गई हैं, पैनिक अटैक जिसे हम कहते हैं, इसलिए उनका सेकेंडरी रेफरेंस भी कराया हमने दोनों का। तो वो उनको फीवर या वायरल से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चूँकि सीजनल है फीवर और सारे जितने पेशेंट हैं कल हमने स्क्रीनिंग कराई, 70 बच्चों की स्क्रीनिंग कराई है और सबके सैंपल्स हम लोगों ने KG में भी भेजे हैं कि जैपनीज इनकेफेलाइटिस कोविड के लिए तो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं टेस्ट, मलेरिया हमारे यहाँ हो रहा है, डेंगू हमारे यहाँ हो रहा है, इसके अलावा जैपनीज इनकेफेलाइटिस एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम लोगों ने KG में सैंपल भेजे हैं। तो उसके सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद में हम देखेंगे। बच्चे कुल मिलाकर के 7-8 ही बीमार थे जिसमें से 2 को पैनिक अटैक था, 1 सीरियसली इल है, बाकी को हल्का बुखार। मेडिकल कॉलेज के प्रचार संजय काले का दावा है कि 70 छात्रों की और जांच कराई गई थी, उनकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन जो छात्रा बुखार से पीड़ित है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि अभी सबको इलाज करने की पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि मेडिकल कॉलेज में 4,000 से ऊपर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, इन सबकी चेकिंग नहीं हुई है। ऐसे में कहीं ये वायरस संक्रमण और बढ़ा तो लोगों के लिए खतरा हो सकता है। रंजय सिंह, कानपुर तक।